हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आगामी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, और आप लोग अपनी स्कोरिंग भी करते रहिएगा, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं, इस समय आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। और जिसको भी पेड ग्रुप से जुड़ना है 9621819209 पर कांटेक्ट करके पेड ग्रुप से भी जुड़ सकता है, और साथ में नोट्स भी प्राप्त कर सकता है। प्राइस सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज है। पेमेंट आप लोग फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे या फिर पेटीएम के द्वारा करने के बाद स्क्रीनशॉट सेंड करिएगा, नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। भारत को ओलंपिक में प्रथम स्वर्ण पदक कब मिला था? भारत को ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक कब मिला है? 1924 में मिला, 1928 में मिला, 1932 में मिला या फिर 1936 में मिला है? तो ये पहला मिला था 1928। ये कहां पे हुए थे? एमस्टरडम में, हॉकी में प्राप्त हुआ था एमस्टरडम में। ठीक है, ए बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा, 1928 के साथ में रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। पारस्परिक ओलंपिक झंडा सर्वप्रथम प्रयोग में कहां लिया गया? बर्लिन 1936, एंटवर्प 1920, लंदन 1908, पेरिस 1924। व्हाट इज द राइट आंसर? तो उत्तर यहां पे किसके साथ में रिलेट कर जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, एंटवर्प 1922, बी ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा। और ओलंपिक झंडे का निर्माण पूछा जाता है किसने किया था, तो ओलंपिक झंडे का जो निर्माण किया था हेनरी डिडॉन ने किया था। किसने किया था? हेनरी डिडॉन ने। तो इन्होंने ओलंपिक झंडे का निर्माण किया था हेनरी डिडॉन ने। और इस झंडे का सबसे पहले जो यूज किया गया था, फहराया गया था, एंटवर्प ओलंपिक में 1922 में। तो राइट आंसर बी ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। सितंबर 2009 में राष्ट्रकुल खेलों में किस देश को निष्कासित किया गया था? किस देश को निष्कासित कर दिया गया था 2009 में राष्ट्रकुल खेलों से? म्यांमार को, फिजी को, श्रीलंका को या फिर ईरान को? किसको निष्कासित किया गया था? कौन से देश को निष्कासित किया गया था? राइट आंसर, आपका टाइम अप हो चुका है, फिजी हो जाएगा सही उत्तर, बी ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर का। ओलंपिक खेलों में आखिरी बार ठोस स्वर्ण पदक किस वर्ष में दिए गए थे? रिपीटेड क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। 1904, 1900, 1948, 1912। पांचवे जो ओलंपिक आयोजन हुआ था ये कहां पे हुआ था वो भी आपको बता देना है। तो उत्तर जो रिलेट कर जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, 1912 के साथ में डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और इसका जो आयोजन हुआ था पांचवे ओलंपिक का, ये स्टॉकहोम के, स्टॉकहोम में हुआ था। ये कहां पड़ता है? स्वीडन में पड़ता है। यहां पर सबसे लास्ट में यानी आखिरी बार ठोस स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। तो राइट आंसर डी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है ओलंपिक से। आपकी ये सीरीज जो चल रही है आपकी बहुत जबरदस्त सीरीज है, इसमें से आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हर टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हमारे चैनल पर देखने के लिए। अभी तो ये शुरुआत की गई है, आगे आने वाले वीडियोज में क्वेश्चंस का लेवल बढ़ जाएगा। राष्ट्रमंडल खेलों की एथलेटिक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताना है। सुधा सिंह, सीमा एंटिल, कृष्णा पुनिया, सुनीता रानी। राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा पुनिया के साथ में, यहां पे सी ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और ये जो इसके बारे में कुछ बता देते हैं आप लोग को, 2010 जो नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे वहां पर भारत की तरफ से डिस्कस थ्रो में कृष्णा पुनिया ने पहली बार एथलेटिक्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। तो ये भारतीय पहली महिला थी जिन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, कृष्णा पुनिया। राइट आंसर चला जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से शुरू हुआ? द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से शुरुआत हुई थी, इसका आंसर किसके साथ में रिलेट कर जाएगा? 1982 होगा, 1983 होगा, 1984 होगा, 1985। राइट आंसर किसके साथ में रिलेट कर जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है। कल के वीडियो में ये क्वेश्चन हमने कराया था, आपका सही उत्तर आ जाना चाहिए, कमेंट के माध्यम से बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है? 25 लाख, 15 लाख, 7.5 लाख या फिर कोई नहीं? तो पहले जो धनराशि दी जाती थी 7.5 लाख दी जाती थी,
परंतु अभी जो चेंजेस हुए हैं उसमें 25 लाख कर दिया गया, तो राइट आंसर अब जो लगाएंगे आप लोग 25 के साथ में रिलेट कर जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। अगर यहां पे 25 लाख नहीं दिया होता, 7.5 लाख दिया होता, 15 लाख दिया होता और 10 लाख दिया होता, कोई नहीं दिया होता, तो इसमें से कोई नहीं हो जाता सही उत्तर। और पहले अगर पूछा जाए तो 7.5 के साथ जाएगा, प्रेजेंट टाइम में 25 लाख नहीं, ए ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोट्स जिसको भी प्राप्त करना है 9621819209 व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे या फिर पेटीएम के द्वारा सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करना है। जैसे स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे आपको नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ओलंपिक झंडे में विभिन्न रंगों के कुल कितने छल्ले होते हैं? कितने छल्ले होते हैं? 5 होते, 7 होते, 8 होते हैं, और डी में आपका कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। तो कितने छल्ले होते हैं ओलंपिक के झंडे में? कई बार क्वेश्चन कराए हैं, क्या होगा इसका सही आंसर? यही सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदला हुआ लेकिन आंसर तो वही आ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा 5 के साथ में रिलेट कर जाएगा, 5 छल्ले होते हैं। जो 5 छल्ले होते हैं किस महाद्वीप को दर्शाते हैं? जो 5 महाद्वीप हैं उसमें आपका आ जाएगा यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एक बच रहा है अमेरिका महाद्वीप। और यूरोप महाद्वीप नीले को दर्शाता है, एशिया महाद्वीप पीले कलर को दर्शाता है, अफ्रीका महाद्वीप काले कलर को दर्शाता है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हरे को दर्शाता है, जबकि अमेरिका लाल को दर्शाता है। तो राइट आंसर आपको पता चल गया यहाँ पे ए का 5 हो जाएगा। और प्रतीक चिन्ह जो है किस चीज को समान आयाम यानी आपस में जो गतिविधि है ओलंपिक अभियान की गतिविधि को अभिव्यक्त करते हैं यानी उसको प्रदर्शित करते हैं। तो उत्तर आपको पता चल गया ए ऑप्शन, इसके साथ में जो इसके कलश को दर्शाते हैं वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9, ओलंपिया शहर विश्व के किस देश में स्थित है? तो ओलंपिया शहर विश्व के किस देश में स्थित है? क्लिक करिए आंसर, ग्रीस, जर्मनी, इटली या फिर चाइना, चीन। राइट आंसर, ओलंपिया शहर विश्व के किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है आपका ग्रीस में, ए ऑप्शन हो जाएगा। ये यूनान में पड़ता है तो आंसर आपका रिलेट करेगा ए ऑप्शन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, अभी तक एशियाई खेल किस शहर में आयोजित नहीं किए गए? और इसके पहले के वीडियो जिसने भी नहीं देखे हैं सर्च करिएगा यूट्यूब पे फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, आपको बैकग्राउंड में भी दिख रहा होगा, वही आपको सर्च करना है। सारी वीडियो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड आपको वहां पर मिल जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस कंप्लीट किए जा चुके हैं यूट्यूब पे, आप लोग जितने भी ज्यादा क्वेश्चंस मिलते जाएंगे उनको देखते जाइएगा, आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प अवश्य मिलेगी। राइट आंसर 10 नंबर किसके साथ में हो जाएगा यहां पे? तो उत्तर जो रिलेट करेगा कराची के साथ में हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एशियाई खेलों का आयोजन कराची शहर में अभी तक नहीं किया गया है, जबकि दूसरे जो एशियाई खेल हुए थे 1954 में, मनीला में कब हुए थे? 1954 में हुए थे। सेकंड एशियाई खेल मनीला पड़ता कहाँ पे? ये फिलीपींस में पड़ता, यहाँ पे आयोजित हुए थे। जबकि जो 7वां हुआ था एशियाई खेल ये हुआ था आपका 1974 में, ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपका तेहरान जो ईरान में पड़ता, यहाँ पे आयोजित किए गए थे। अगर पूछा जाए सेकंड तो मनीला के साथ में रिलेट करेंगे, सेवेंथ नंबर का पूछ लिया जाए तो 1974 तेहरान ईरान में पड़ता है, यहां से रिलेट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेलों में भारत ने किस देश को हराकर फुटबॉल चैंपियनशिप जीती? प्रथम एशियाई खेलों में भारत ने कौन से देश को हराकर फुटबॉल चैंपियनशिप जीती? जापान, ईरान, अमेरिका या फिर श्रीलंका, किसको हराकर भारत ने जीता? तो ये ईरान को हराकर भारत ने जीता, ने बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, बी ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा। जो प्रथम एशियाई खेल हुए थे 4 मार्च 1951 ईस्वी नई दिल्ली में आयोजित हुए थे, भारत ने इसमें ईरान को 1-0 से हराकर फुटबॉल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। जो एक गोल किया था ये साहू मेवा लाल ने किया था, ये भी पूछा जा सकता है। प्रथम एशियाई खेल में जो फुटबॉल का गेम हुआ था उसमें पहला गोल किसने किया था? तो ये एक गोल जो हुआ था इन्होंने किया था, साहू मेवा लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन है, 29वें ओलंपिक खेल कहां आयोजित हुए? जो 29th नंबर के ओलंपिक गेम्स हुए वो कहां पे आयोजित किए गए? लंदन, बीजिंग, पेरिस या फिर टोरंटो? राइट आंसर हो जाएगा क्या इसका? टोरंटो यहां पे लास्ट में, यहां पे आपको अब दिखाई दे रहा होगा जी,
उत्तर जो हो जाएगा क्या होगा सही ऑप्शन ए बी सी डी, डी में टोरंटो लिखा हुआ है, उत्तर हो जाएगा बीजिंग, चाइना की राजधानी बीजिंग में आयोजित हुए थे, उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। जो 29th जो 29th नंबर के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे ये बीजिंग चीन में हुए थे 8 से 24 अगस्त 2008 को। इसका नारा क्या था, एक विश्व एक स्वप्न, क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो आपके 29वें ओलंपिक खेल हुए थे उसका नारा क्या था, एक विश्व एक स्वप्न। अगर यहां से शुभंकर की बात की जाए तो इसमें शुभंकर का फुआ मशाल प्रज्वलित किया था, ली निंग जिम्नास्ट जो थे ली निंग ने किया था, ओलंपिक शपथ जो लिया था झांग ईनिंग टेबल टेनिस से रिलेट करते हैं, भाग लेने वाले देशों की संख्या थी 204 जबकि भारत का स्थान पूछ लिया जाता है 15th नंबर का था, यहां पर 50वां स्थान भारत का था। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। नोट्स जो भी प्राप्त करना चाहता है तुरंत प्राप्त कर सकता है पेमेंट करने के बाद, 9621819209 व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे गूगल पे अमेजन पे या फिर पेटीएम के द्वारा स्क्रीनशॉट सेंड करिएगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे, साथ में पेड ग्रुप से भी ऐड कर दिया जाएगा। पेड ग्रुप में आपको क्विज दिया जाता है, साथ में डेली मॉक टेस्ट कराया जाता है और प्रैक्टिस सेट बिफोर एग्जाम भी आपको देंगे मिलेंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको पेड ग्रुप में दिए जाएंगे। तो 13 नंबर राइट आंसर, वर्ष 2002 में आयोजित 14वें एशियाई खेलों में भारत ने कौन सा स्थान अर्जित किया, 7th, 8th, 9th या फिर 10th, जो स्थान प्राप्त हुआ था भारत को ये 7वां मिला था राइट आंसर, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। और टोटल अगर पदक की बात की जाए तो 36 पदक भारत ने प्राप्त किए थे, जिसमें से थे 11 स्वर्ण 12 रजत 13 कांस्य, ये टोटल हो जाएंगे आपके 36, 11 12 और 13, 3 2 5 1 6 1 1 2 1 3, 36 पदक टोटल थे, 7वीं रैंक मिली थी भारत को। और ये कहां हुए थे एशियाई खेल 2002 में, वुशान में हुए थे साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का, निम्न में से कौन ओलंपिक खेल का उद्घाटन कर रहे हैं, यानी कौन उद्घाटन कर सकता है, कहां पे आंसर होगा, चेयरमैन आईओसी, प्रेसिडेंट आईओसी, सेक्रेटरी आईओसी, देश का प्रधानमंत्री, तो ये क्या होगा, जो मेजबान देश का राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा किया जाता है देश का प्रधानमंत्री हो जाएगा, यहां पे डी ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, ओलंपिक में भारत ने सर्वप्रथम फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लिया था, कब भाग लिया था सबसे पहले, 1940, 1944, 1948, 1952, कब भारत ने भाग लिया है, तो भारत ने भाग लिया था 1948 में, सी ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मोहन बागान क्लब के टेलीमेरन टीम के कप्तान थे ये, और इन्होंने इसमें फ्रांस ने भारत को 2-1 से हराया था, भारत की ओर से एक गोल करने वाले खिलाड़ी थे सारंगा पनी रमन थे, इन्होंने गोल किया था एक। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था, तो सबसे पहले जो प्रथम एशियाई खेल, इसके पहले के अभी क्वेश्चंस में भी आप लोग डिटेल में भी आंसर पा चुके हैं, 1951 1961 1971 या फिर 1981, जो उत्तर हो जाएगा आपका 1951 के साथ में रिलेट कर जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, सर्वप्रथम ओलंपिक खेल रद्द किए गए कब रद्द किए गए थे, 1909 1911 1914 1916 में, तो सबसे पहले जो ओलंपिक खेल रद्द किए गए थे तो ये 1916 में रद्द किए गए थे, डी ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये था 6 नंबर का ओलंपिक जो रद्द किया गया था बर्लिन जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के कारण, जबकि 12 नंबर का ओलंपिक भी रद्द किया गया था टोक्यो जापान 1940 द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, और 13 नंबर का ओलंपिक भी रद्द किया गया था 1944 लंदन ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके लिए बहुत ही अच्छा, ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, भारत को एशियाई खेलों में पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब प्राप्त हुआ, और जिसको भी क्वेश्चन आते हैं तो उसका परसेंटेज 100 हो जाना चाहिए क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए, और जिसको नहीं आता है आप लोग कोशिश करिएगा धीरे धीरे, ये सारे डेटा जितने भी होते हैं सब माइंड में आपके फीड होते जाएंगे, और अगर कहीं पे क्वेश्चन दिखाई पड़ गया तो आप तुरंत उसको क्लिक कर देंगे, 10 सेकंड क्या आपको 2 सेकंड नहीं लगेंगे टिक लगाने में,
तुरंत टिक लगा देंगे। तो यहां पे 18 का जो उत्तर हो जाएगा किसके साथ रिलेट कर जाएगा, 1966 हो जाएगा इसका राइट आंसर, डी ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर। एशियाई हॉकी भारत में सर्वप्रथम पांचवें एशियाई खेल 1966 बैंकॉक थाईलैंड में पाकिस्तान को कितने से हराया था, 0-1 से हराकर इस स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। और भारत ने एशियाई हॉकी खेल में दूसरा स्वर्ण पदक 1998 में व तीसरा जो प्राप्त किया था 2014 में प्राप्त किया था। थोड़ी सी डिटेल भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 एंड सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, सर्वप्रथम ओलंपिक ऑर्डर सम्मान किसे प्रदान किया गया, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को, मूलचंद चौहान को, तो सबसे पहले किसको प्रदान किया गया था, तो यह प्रदान किया गया था इंदिरा गांधी जी को। राइट आंसर जो यहां पे हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट कर जाएगा। और यह पुरस्कार ओलंपिक मूवमेंट का सर्वोत्तम पुरस्कार है, यह पुरस्कार जो होता है ओलंपिक मूवमेंट का सबसे अच्छा पुरस्कार माना जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, इस पुरस्कार यानी इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगर पूछा जाए किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये जो ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष होते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक एसोसिएशन के, उनके द्वारा प्रदान किया जाता है। और भारत में सर्वप्रथम यह पुरस्कार इंदिरा गांधी जी को मिला था, स्वर्ण पदक जो 1983 में मिला था, तो इनको जो मिला था इंदिरा गांधी जी को 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए 1896, 1906 या फिर 1916, उत्तर हो जाएगा बहुत आसान सा क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए किसी से भी, 1896। और पीरे डी कोबर्टिन का आपने बहुत नाम सुना हुआ होगा, इन्हीं के प्रयासों के द्वारा ये आधुनिक ओलंपिक खेल शुरू हुए थे 1896 में। आज का लास्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, आप लोग अपनी स्कोरिंग करके बताइएगा कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। आप व्हाट्सएप पे भी कमेंट करके बता सकते हैं और आप यूट्यूब पे भी बता सकते हैं। ओलंपिक का आदर्श वाक फोर्टियस का अर्थ है, आदर्श वाक फोर्टियस का क्या अर्थ होगा, उच्चतर, तीव्रतर, अधिक बलवान, उपरोक्त सभी कल के वीडियो में यह भी क्वेश्चन कराया गया था आपको। राइट आंसर यहां पे किसके साथ रिलेट कर जाएगा, अधिक बलवान के साथ में रिलेट कर जाएगा फोर्टियस। और सीटीएस और तेज यानी फास्टर, एलटीएस और ऊंचा हाइयर, जबकि फोर्टियस स्ट्रांगर और बलशाली होता है। इन तीनों को ध्यान रखिएगा, सीटीएस, एलटीएस, फोर्टियस, बहुत क्वेश्चन यहां से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता हो तो एक क्वेश्चन कैरी करेगा आपके 4 मार्क्स को, तो ये भी ध्यान रखना कि गलत ना होने पाए। तो ये थे इस वीडियो के कुछ 21 टॉप मोस्ट क्वेश्चंस। अब वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो 9621819209 ये पंकज सर का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग कॉन्टेक्ट करके अपनी क्वेरी वहां पे बता सकते हैं। और जिसको भी नोट्स प्राप्त करना है, जो नोट्स प्राप्त करना चाहता है, 9621819209 नंबर पे पेमेंट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे या फिर पेटीएम के द्वारा पेमेंट करना होगा, स्क्रीनशॉट सेंड करिएगा, नोट्स तुरंत मिल जाएंगे। और इसी तरीके से आपको मेहनत करते रहना है, पढ़ाई करते रहना है, बस ये ध्यान रखिएगा आप सिलेबस के अकॉर्डिंग सही दिशा में पढ़ाई करें। ये नहीं होना चाहिए कि आप सिलेबस को से भटक रहे हैं, इधर उधर से पढ़ाई कर लें, इसलिए क्वेश्चंस आपके उसी लेवल के होने चाहिए जो टीजीटी और पीजीटी में पूछे जाते हैं। जो प्रेजेंट टाइम में जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, ये सारे आपके लेवल्स के क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपने स्कोरिंग करना ना भूलिएगा, स्कोरिंग करके अवश्य बताइएगा कि क्वेश्चंस कितने राइट हुए हैं। तो नए वीडियो मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।